वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है और बहुत सारे जो कह लें लोगों का इशू भी है। डिप्रेशन एक वो बीमारी कह लें जो हमारी जो सोसाइटी है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंडक्ट होती चली जा रही है, उसकी बेतहाशा वजूहत हैं। डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, उसके बाद इसका इलाज क्या है और ये होता क्यों है, इस तमाम तर जो है सिचुएशन पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आफिया रफीक जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ फातिमा उस्मान जो कि सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप दोनों? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर आफिया। सबसे पहले तो मैं आपकी धन्यवादूंगी। हम बात करते हैं डिप्रेशन, कुछ लोगों को नहीं पता कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम डिफरेंस या डिप्रेशन को टर्म डिफाइन करने से स्टार्ट करें तो क्या? देखिए, बहुत से लोग, मैं तो एक जनरल पब्लिक की लेमेन उसके ऊपर आके बात करूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल। अब उनको बेसिकली ये पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। थोड़ा सा सैड मूड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो समझते हैं कि जी ये डिप्रेशन हो गया। और उसमें यह है कि स्ट्रेस इज अ स्टेट जो कि हर वक्त बंदा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन यह कि जो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसके अंदर और तरह के सिम्टम्स होते हैं और डिप्रेशन से वेरी करते हैं। और एंजाइटी के और डिप्रेशन के भी सिम्टम्स एक दूसरे से थोड़े से वेरी करते हैं। अब डिप्रेशन, क्योंकि टॉपिक हमारा आज डिप्रेशन है, तो हम डिप्रेशन से स्टार्ट लेते हैं कि ये क्या है। ये एक मूड डिसऑर्डर है, जैसे कि आपके जो मूड में चेंजेस आती हैं। और मूड में क्या चेंजेस आती हैं, सैड मूड हो जाता है आपका, किसी काम करने को दिल नहीं करता आपका, जो है हर वक्त, कई दफ़ा ये होता है कि रोने को दिल करता है और उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन जो है कई दफ़ा सुसाइड भी हो सकती है। अब उसमें तीनों चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, आपका मूड भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी थॉट्स भी इफेक्ट हो रही हैं। सोच में क्या है कि आपको अपना प्रेजेंट भी ब्लीक लगता है, डार्क लगता है, पास्ट भी आपको लगता है कि ज़िंदगी वेस्ट की है और आपको एक गिल्ट फीलिंग आ रही होती है थॉट्स में, आपको ये होता है कि मैं बेकार इंसान हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया और फ्यूचर में भी कुछ नहीं होना, तो सारा कुछ डार्क नज़र आता है। और फिर जैसे बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में है कि कई दफ़ा ऐसे लोगों को जो है वो नींद नहीं आती और या बहुत ज़्यादा नींद आती है, इंसोम्निया या नींद ना आना या बहुत एक्सेसिव नींद आना, या फिर भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और उसके अलावा यह है कि जो वो काम रोज़मर्रा में बहुत आसानी से कर पा रहे होते हैं प्रीवियसली, जैसे कि अगर बच्चा है तो स्कूल जा रहा है, अगर बड़ा है तो वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर रहा है, लेकिन जब वो डिप्रेस्ड होता है तो उसको ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो कर नहीं पाता, जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहा होता है वो उसको या तो कर नहीं पाता या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ देता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेवियरिटी ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन जो है उसकी फर्दर बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। फिर मेजर डिप्रेसिव के बाद हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसमें यह है कि दो फेजेस होते हैं, एक डिप्रेशन का फेज आता है, फिर एक बहुत एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा मूड एलिवेशन होती है जिसके अंदर मेनिया में बंदा चला जाता है, तो ये साइक्लिक होता है। फिर उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसमें फीमेल्स को जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो बाद में डिलीवरी के बाद जो है उनमें वो डिप्रेशन के फीचर्स आते हैं। फिर सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन, जो कि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दिन छोटा होना शुरू हो जाता है, लाइट कम होती है और इस तरीके से मल्टीपल और तरह के डिस्थेमिया है, वो ज़रा थोड़ा सा लेसर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन है। और पाकिस्तान में हमने डिफरेंट रिसर्चेस देखी जिसमें पता चला कि कराची शहर में सिर्फ 34% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिप्रेस्ड और उसमें पंजाब में 50% से ज़्यादा। और ये वो रिपोर्टेड केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जिन्होंने आके हॉस्पिटल से हेल्प ली है। और हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि डिप्रेशन क्या है। तो अब ये है कि हम अगर देखें तो डिप्रेशन के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, बहुत आसान इंडिकेटर्स लें पर्सन के लिए है कि कई दफ़ा ये होता है कि अगर उनको लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मेरे से वो काम नहीं हो पा रहे जो मैं इजीली कर सकता था और मुझे हर चीज़ एक पहाड़ लग रही है और मेरे अंदर एक सैडनेस है, मेरे अंदर लैक ऑफ प्लेयर या पेन की वो जो फीलिंग है वो लैक कर रही है, या भूख कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है, नींद कम आ रही है ज़्यादा, या गिल्ट की फीलिंग है कि मैंने कुछ बुरा किया है जो मेरे साथ बुरा हो रहा है और होता रहेगा। अगर इस किस्म के फीचर्स हैं आपके अंदर तो मेरा ख्याल में आपको जो है वो फौरन हेल्प लेनी चाहिए, कि ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो डिप्रेशन की स्टार्ट। ठीक हो गया डिप्रेशन पर डॉक्टर आफिया, हमें और भी बताएंगी। फातिमा आपकी जानेब आएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी सोशली एक बात करें तो हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन की तरफ लीड करती हैं। हमने रिसेंटली बहुत सारे केसेस भी देखे हैं,
खुदा ना खासा सुसाइड तक अटेम्प्ट की है लोगों ने डिप्रेशन की वजह से. क्या लगता है क्या वजूहत है जो हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा चीज़ प्रवेश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को जानती हूँ जो जो मेरे इर्द गिर्द हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं. समटाइम्स हम खुद भी हो जाते हैं. तो इसकी मेन मुझे जो नज़र आती है वो भूख, अफलास. आजकल लड़के लड़कियों में जो ये मतलब टीवी से कह लें या मीडिया से कह लें या वैसे भी सदियों से होता आ रहा है जो आपस में एक रिलेशनशिप डिवेलप होता है तो उस पे फीलिंग्स आती हैं कि शायद हम कभी हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हम मिल नहीं पाएंगे. तो बच्चे एक दफ़ा आपने देखा कराची में एक लड़का लड़की बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने वहीं पे क्लासरूम में अपने आप को दोनों को शूट कर लिया. लड़की गन लेके आई थी. तो ये वाले केसेस तो लेकिन मेन ये भी होते हैं. और जो आम घरों में मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात उस वो भी बेस करती हैं. और इसके अलावा आपको पता है कि आजकल जॉब्स और इसमें बहुत सारे यंग जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन ना हो तो इस पर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं. और ये है कि इसमें जिस तरह इन्होंने कहा साइकेट्रिस्ट से ज़रूर रजू करना चाहिए, लेकिन हमारे मेनली जो गुर्बत से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग. घर में बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, खर्चा चलाने के पैसे नहीं हैं, तो उसमें फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जा सकते. वो वहाँ ना तो उनके पास इतनी अवेयरनेस होती है ना उनके पास इतने, जब हालात से पहले ही वो तंग होते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट के पास कैसे जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. ठीक हो गया. हमारे साथ कॉलर है मिसेज इजाज़. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मिसेज इजाज़ क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सवाल करना है. मौजू बहुत अच्छा है, लोगों में चीज की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है. आपने बहुत अच्छा मौजू चूज किया है. थैंक यू वेरी मच. मैंने ये पूछना था मेरी बेटी की एज जो है ना अभी 17 साल होने वाली है. 17 साल जब उसको जब भी उसको कोई टेंशन होती है ना, जैसे कि मेरा रिजल्ट आने वाला है या मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है या पापा नहीं है कोई ये बात ना कर दे, पापा नहीं है कोई वो बात ना कर दे, मैं कॉलेज में छुट्टियों के बाद जा रही हूँ, मुझे टीचर कुछ कह ना दे, उसका सांस रुकना शुरू हो जाता है, फिर उसका मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, बद जायका हो जाता है, भूख नहीं लगती, नींद बहुत आती है. 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं उसको नफ्सियाती डॉक्टर के पास भी लेकर गई हूँ, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. अच्छा मिसेस जस, आपकी अपनी बेटी से अटैचमेंट कैसी है? बहुत अच्छी अटैचमेंट. मेरी बेटी तो मेरे साथ बहुत दोस्ताना माहौल है, कॉलेज में जो कुछ होता है रास्ते और भी बहन भाई है उसके. 2 बेटियां मेरी, दोनों बहनें आपस में बहुत खेलती हैं, बातचीत करती हैं आपस में, लेकिन जब उसका मूड ऑफ होता है तो फिर वो मतलब किसी को बुलाना पसंद नहीं करती, किसी से बोलना पसंद नहीं करती, कुछ खाना पसंद नहीं करती, बस सोई रहती है सोई रहती है. ठीक हो गया मिस इजाज, अभी आपको डॉक्टर आफ्रा इसका जवाब देंगे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिस इजाज. जी ये तो देखें ये केस में दो चीजें आ रही हैं, एक एंजाइटी के भी फीचर्स आ रहे हैं और एक डिप्रेशन के फीचर्स आ रहे हैं और इसमें एक एडिड स्ट्रेस है कि फादर नहीं है. देखिए वही बात है कि जब आपके मल्टीपल फैक्टर्स ऐड होते हैं तो डिप्रेशन के चांसेस हैं, लेकिन अगर मेडिसिन इफेक्ट अगर मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही तो मेरा ख्याल में साइकोथेरेपी जो है जो एक टॉक थेरेपी है, अगर जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स आप उनके पास जाएं, मेरा ख्याल में वो बेहतर तरीके से जो है वो बता सकते हैं. कई दफ़ा लगता है कि डिप्रेशन है लेकिन वो एक मूड स्विंग्स जो बच्चों में आते हैं ना टीनेज में वो भी होते हैं, तो अगर मेडिसिन का इफेक्ट नहीं हो रहा तो शायद फिर डिप्रेशन नहीं है, तो इसकी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके लिए साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम कहते हैं CBT, जिसमें आपकी इरेशनल थॉट्स, क्योंकि इस उम्र में बच्चों में बहुत ज्यादा इरेशनल थॉट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी वी शुड बी नंबर वन, हमें सारे लोग पसंद करें, हमारे से कोई गलती ना हो, इस तरह की थॉट्स को फोकस करके उनकी थॉट्स को जो है इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उनके कुछ कॉग्निटिव एरर्स होते हैं जैसे कि वो छोटी सी भी कामयाबी है तो उसको नहीं फील करेंगे, जरा सी भी नाकामी है उसको इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो इस तरह के जो कॉग्निटिव एरर्स हैं मुझे लगता है इस बच्ची को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है मेडिसिन से ज़्यादा. और यूजुअली मैं रिकमेंड भी यही करती हूँ कि अगर सुसाइडल आइडिएशन नहीं है तो कोशिश करें कि पहले उसको जो है मिनिमल डोज जो कि एक साइकोथेरेपी से स्टार्ट करें और फिर उसको आगे हम मेडिसिन की तरफ, क्योंकि बच्ची है जो यंग है उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस अगर मेडिसिन लेंगी तो. साइकोलॉजिस्ट को मैं कहूंगी कि दिखाएं, हमारे सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में अब साइकोलॉजिस्ट हैं, तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स मेरे ख्याल में इस बच्ची को बेहतर हेल्प कर सकते हैं.
फातिमा, अभी हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं, और हमने जब देखा है कि अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब ये बच्ची का बता रही है कि वो छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के हवाले से, हम फिजिकल हेल्थ को बहुत फोकस में रखते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे मज़हब में ना फायदा एक चीज़ है, सब्र। सब्र का बहुत ज़्यादा अजर भी है और सब्र को बहुत अहमियत भी है, लेकिन बदकिस्मती से हम खुद भी अपने बच्चों को ये टीच नहीं करते कि सब्र भी एक चीज़ होती है। मतलब वैसे हम कह देते हैं कि सब्र करो लेकिन सब्र को पेशेंस, अभी आप देखें कि ट्रैफिक का अगर सारे लोग पेशेंस रखें और लाइन बना के, जिस तरह जैसे जैसे आपको इशारा बंद होता है तो आप उसके पीछे पीछे गाड़ियां रोकते जाएं, इस तरह नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हम आगे से जो दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रही है ना, उसकी तरफ से भी हम निकलने की कोशिश करें, तो ये भी एक पेशेंस की किस्म है। इसी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसी की वजह से लोग कहते हैं बस एक भाग दे, लगता है कि एक भाग दौड़ मची हुई है और पता नहीं हर एक ने पता नहीं दूसरे को ना के ऊपर से गुजर के पहुँचना है। तो इसमें हमें पेशेंस की ज़रूरत है, हमें बच्चों को टीच करने की ज़रूरत है घर में भी कि जब आपकी बारी आएगी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये तो होगी एक बात सब्र की। लेकिन जो अभी आपने पूछा कि ये हमें इसको ना, जिस तरह इन्होंने कहा कि साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग जो भी है ना, इस पर भी मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंग्लैंड से आई थी, वो वहाँ पर काउंसलिंग करती थी, तो मेरे साथ उसकी कहीं मुलाकात हो गई। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आता था काउंसलिंग से क्या होता है, मैं समझती थी। तो जब सारी फ्रेंड्स उससे कोई भी मसला होता उसको अलग से लेके बैठ जाते, वो किसी से डिस्कस नहीं करती थी, वो अपने तक रखती थी। उससे जब हम पूछते थे, कोई बात करते थे, वो जिस तरह वो कहती थी कि इसको इस तरह करके आप हैंडल करो ना, आप यकीन करें कि वो सॉल्व हो जाता था। तो काउंसलिंग पे मुझे तब बिलीव हुआ कि काउंसलिंग भी एक चीज़ है। एक तो आप अपनी बात उनसे डिस्कस कर लेते हैं खुल के, तो आपके दिल से वो बात निकल जाती है। दूसरा ये कि वो आगे से जो सोल्यूशन एक साइकियाट्रिस्ट दे सकता है ना, वो कोई और दूसरा बंदा नहीं दे सकता। ये फातिमा ने बहुत अच्छी बात की कि हमारा बिलीफ सिर्फ मेडिसिन पे है। हम जो हैं बहुत ओरिएंटेड हैं कि हम चीज़ को दवाई खिला के बच्चे को या जिसको भी कोई मेंटल या फिजिकल कंसर्न है ठीक कर सकते हैं। आप ये देखें कि जैसे उन्होंने का ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो साइकोथेरेपी वंडर कर सकती है और जो आपकी कॉग्निशंस में चेंजेस एक साइकोलॉजिस्ट ला सकता है। ठीक है, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मेडिसिन जो है वो देनी पड़ती है और हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बन के चलते हैं, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जो माइल्डर फॉर्म के होते हैं जिन्हें मेडिसिन की नहीं ज़रूरत होती, लेकिन हम उनको अगर देते रहेंगे तो उनके अंदर और बहुत सी कोमॉर्बिड कंडीशंस आ सकती हैं और फिजिकल कंसर्न्स आ जाती हैं। तो ये है कि काउंसलिंग पे यकीन, साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, जनरल पॉपुलेशन के लिए इट्स अ टॉक थेरेपी। एक और बात मैं आपको राफिया मैं आपको काट रही हूँ, मैंने ये कहना था कि एक काउंसलिंग, देखें पेरेंट्स भी हम बच्चों को ना बहुत अच्छी तरह बातें समझा सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स की बातों से ना बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, जो और जो डॉक्टर और जो साइकियाट्रिस्ट कर सकती है ना, ये भी मैंने देखा कि उनसे उनकी बात हम गौर से सुनते भी हैं और उस पर हम अमल करने की भी कोशिश करते हैं। एक अलहदा पेडेस्टल है ना, देखिए हम लोग क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन की तरफ। मैं आज यही सोच रही थी कि पहले हमारा माशरा एक कलेक्टिविस्टिक माशरा था, यहाँ सब लोग इकट्ठे रहते थे, दादा दादी होते थे घर में, बड़े होते थे, बच्चे को टाइम मिलता था प्रॉपर। अगर मदर कोई और काम कर रही है, बच्चे को दादी टाइम दे रही है, दादा वो बाहर गार्डन में लेके जा रहे हैं, पार्क लेके जा रहे हैं। अब वो हमारा कल्चर जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो गया। हमारे बच्चे के पास आईपैड, सोशल मीडिया, इसके अलावा कोई और फ्रेंड रह नहीं गया। पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, जो है बच्चे जो हैं वो अनअटेंडेड हैं ज़्यादातर। और मैं कह रही हूँ कि इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना, ये भी डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। और उर्मिला, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए है कि अ चाइल्ड कैन बी बॉर्न डिप्रेस्ड। लोगों को ये नहीं पता कि बच्चा पैदाइशी तौर पर डिप्रेशन के साथ पैदा होता है कई दफ़ा, ये भी देखने में आया। और उस बच्चे की इसलिए समझ नहीं आती कि वो बच्चा अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो इरिटेबल होता है,
वो क्रैंकी होता है, वो रोता रहता है और वो समझते हैं कि जी कॉलिक है या कुछ, और वो अनडायग्नोज जाता है क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता. तो मदर्स जिनमें टेंडेंसी है डिप्रेशन की और प्रेगनेंसी में डिप्रेस रही हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना भी चेक करवाएं, डायग्नोज करवाएं कि आया वो डिप्रेशन में तो नहीं है. और बच्चे के अंदर आप देखें कि जब बच्चे के इंडिकेटर्स, जो बच्चे की सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, वो बहुत वेरी करते हैं बड़ों से. बच्चा बता नहीं सकता, बच्चा इरिटेबल होगा, बच्चा चीखे मारेगा, बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, दूसरे बच्चों को मारेगा. हम कहेंगे जी कंडक्ट का मसला है इसको, जी बदतमीजी कर रहा है. तो कई दफ़ा ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अंडरलाइंग उनमें डिप्रेशन होता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें. और फिर मेल्स और फीमेल्स के डिप्रेशन के भी जो जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं. औरतों में और तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, ज्यादा सैडनेस, आदमियों में इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. अच्छा डॉक्टर, आपको इंटरप्ट करेंगे, मुझसे कॉलर है चंदा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? मेरे ना हस्बैंड जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है, उनको खौफ आता है जब किसी की डेथ होती है, किसी के साथ भी हादसा पेश आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये हादसा ना हो जाए. और यानी कि रात के टाइम उनकी कैफियत चेंज हो जाती है. रात के टाइम उनकी कैफियत चेंज हो जाती है और अब उनको शुगर भी है. और इस तरह वो शॉप पे भी नहीं जाते, कोई काम नहीं करते, घर में बैठे रहते, बस खौफ लगता है कहीं जाना भी है तो किसी को साथ लेके जाना, अकेले उन्होंने नहीं जाना. कब से है चंदा उनको ये प्रॉब्लम? इनको प्रॉब्लम इनको ना काफी देर पहले ना, शादी से, मेरी शादी के उसका 15 साल हो गए, उनसे पहले इनको ना डिप्रेशन भी हुआ था. अच्छा. तो अब फिर इनकी कैफियत इस तरह से हुई है, अब इनको ना शुगर भी हो गई है. ठीक हो गया. ये डिप्रेशन से ज्यादा जो फीचर्स बता रही है ना, ये फोबिया के फीचर्स आ रहे हैं ज्यादा. पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई ऐसी डेथ देखी है उन्होंने क्लोज में जो कि ओवरकम नहीं कर सके और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में है? क्योंकि डिप्रेशन में जो है वो थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि इतनी इन डेप्थ हम नहीं, उनकी एज भी नहीं पूछी हमने और फैक्टर्स, तो यही बात है कि उन्होंने कहा कि डायबिटीज भी हो गई है. जो मेंटल हेल्थ जिनकी कंसर्न्स होंगी उनके अंदर फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर आ जाते हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है. और वाइस वर्सा, जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन होते हैं या हार्ट डिजीज होती है, उनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. स्पेसिफिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस जो गेंठिया की है, जिसमें जोड़ों का प्रॉब्लम होता है, उन पेशेंट्स में भी देखा गया है कि डिप्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. और अब देखें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हमारे मुल्क में कितनी ज्यादा है, तो जिसको कभी एक दफा भी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई हो उसके अंदर भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि डिप्रेशन उनमें लोगों में आ जाता है. फिर इसी तरह क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस है, लिवर फेलियर है या कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन है, उसमें भी हार्ट का जिसको प्रॉब्लम है उसमें भी डिप्रेशन, जी डिप्रेशन के फीचर्स बहुत ज्यादा. डॉक्टर ने डिप्रेशन की मेडिसिन जी, क्योंकि ये कोमॉर्बिड कंडीशन में बन जाते हैं ना, फिजिकल कंडीशन और मेडिकल मेंटल कंडीशंस इकट्ठी होती हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों में इस तरह की कंडीशंस हो वो भी अपना जो है डिप्रेशन के लिए डायग्नोसिस चेक करवाएं अपने आप को. जरूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो बेहतर ये है कि हम लोग जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स पे फोकस करें, ये बहुत जरूरी है, जरूरी है कि लोगों की अवेयरनेस में भी तो आए कि. और आप तब तक हेल्प नहीं ले सकते जब तक आपको पता नहीं आपको हो क्या रहा है. जैसे अभी ये कंफ्यूज हैं कि इनके हस्बैंड को डिप्रेशन है क्या, तो इनको जरूर किसी को चेक कराने की जरूरत है. ये फोबिया, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो वेरी करती है. थैंक यू वेरी मच फातिमा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का. जब फिजिकल हेल्थ जो है वो आपकी जरूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है. सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर उतनी तवज्जो दें, क्योंकि ये वो बीमारी है जो बहुत सारी दीगर बीमारियों की तरफ लीड करती है. तो आज हमारा पर्पज यही था इस टॉपिक को डिस्कस करने का, कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखें. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.